हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया और कब किया? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में अंग्रेज अधिकारी आईएएस अधिकारी ये स्टॉकलैंड के ये रिटायर्ड अधिकारी थे, ए ओ ह्यूम। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आईएनयू की स्थापना की है, आईएनयू इंडियन नेशनल यूनियन की। उसके आगे फिर बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो दादा भाई नौरोजी इसका नाम देते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो आईएएस अधिकारी जो रिटायर रहे हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, उनको यहाँ के इस समय डफरिन रहते हैं, यहाँ के गवर्नर डफरिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्होंने इनको बुलाया एलन ऑक्टेवियन को कि आओ और इस भारत के लिए कुछ ऐसा संगठन बना दो कि जो दोबारा 1857 की क्रांति की तरह दोबारा कुछ ना हो, उस तरह से खून क्रांति या फिर खूनी क्रांति भी 1857 को बोलते हैं, फिर दोबारा ना पनपे, तो भारत के लिए भी, भारत की जनता के लिए भी अच्छा हो, हमारे अंग्रेजों के लिए भी अच्छा हो। मकसद उन लोगों का, अंग्रेजों का ये था अपने फायदे के लिए, अंग्रेज ने इसको इसकी स्थापना करते हैं, बट आगे कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बदलाव आ जाती हैं। तो ये चीज़ें होनी थी पूना में, कहाँ होना था, पूना में, मुंबई के पास जगह पूना में होना था इसकी स्थापना। बट पूना में क्या था, प्लेग फैल गया था, प्लेग नामक बीमारी फैली थी पूना में, तो पूना से हटा के आपका मुंबई में कर दिया गया, मुंबई में, कि पूना नहीं इसकी स्थापना किया जाएगा, मुंबई में किया जाएगा। मुंबई में किस जगह होगा आप देख लो, पहले पूना में होना था, पूना में प्लेग फैलने की वजह से मुंबई में हुआ। तो आगे देखिए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो स्कॉटलैंड के आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, वो आते हैं इंडिया में और मुंबई, कहाँ, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महिला महाविद्यालय 28 दिसंबर 1885, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना किया, इसकी आईएनयू की, इंडियन नेशनल यूनियन की, 1885 में, कहाँ पे, मुंबई में, कहाँ होना था, पूना में, प्लेग फैलने की वजह से कहाँ हुआ, मुंबई में, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधि मिलके यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करते हैं। और ये निश्चय किया जाता है कि ये हर साल होगा, हर साल जनता अपनी बात यहाँ पे बोलेगी और यहाँ से अपना सुनवाई किया जाएगा, हर साल होगा, और एक साल जहाँ होगा वो दूसरी साल वहाँ नहीं होगा, जैसे इस साल अगर मुंबई में होगा तो अगले साल मुंबई में नहीं होगा, अगले जगह होगा, जैसे मद्रास में होगा, कलकत्ता में होगा, लाहौर में होगा, इस तरह होगा, और वहाँ का वो बंदा निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ होगा, मुंबई में होगा। ऐसे हर साल इसकी बैठक होती है, ठीक है। तो 1885 में इसकी स्थापना हो गई, जिसकी स्थापना एओ ह्यूम ने किया। उसके बाद आप आते हैं, स्थापना तो किए बट इसके अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी थे। 28 दिसंबर 1885 में स्थापना किसने किया, एओ ह्यूम ने, जो स्कॉटलैंड के रिटायर्ड अधिकारी हैं हाई इसके स्थापना की, लेकिन उसके अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी थे पहले अध्यक्ष। उसके बाद अब देखते हैं, पहला हो गया 1885, दूसरा 1886, 1887, चौथा 1888।
इतना लिख लेते हैं, 1885 में कौन थे, ब्योमेश चंद बनर्जी, ब्योमेश चंद बनर्जी। 86 में दादा भाई नौरोजी, इसके अध्यक्ष कौन है, दादा भाई नौरोजी। 87 में ब्योमेश चंद बनर्जी, सॉरी 87 में आपके बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। 88 में कौन है, जार जूले। ये 1885 में ब्योमेश चंद बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की, कहाँ पे होगा 1885 में, मुंबई में, कहाँ होगा मुंबई। 1886 दादा भाई नौरोजी कहाँ होगा, कलकत्ता, कलकत्ता। 87 बदरुद्दीन तैयब जी ने कहाँ, मद्रास, मद्रास आज के समय कहाँ, चेन्नई, सॉरी तमिलनाडु, जार्जियोले इलाहाबाद। देखिए 1885 में स्थापना, 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई, जिसकी स्थापना किसने किया, एओम ने किया, उसकी अध्यक्षता किसने की, ब्योमेश चंद बनर्जी ने, जो कहाँ पे हुआ, मुंबई में। और 1886 में हुआ, जो हर साल होना था, इस साल अगर मुंबई में हुआ तो अगले साल मुंबई में नहीं होगा, और वहाँ का बंदा निवासी नहीं होना चाहिए। 1886 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की, जो कलकत्ता के थे, जो पहले पारसी व्यक्ति थे, कौन थे, पहले पारसी व्यक्ति, दादा भाई नौरोजी क्या है, पारसी हैं, पहले पारसी व्यक्ति। 1887 में हुआ तीसरा सम्मेलन, तीसरी अध्यक्षता किसने किया, बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, पहले पूछ लेगा भारतीय राष्ट्रीय, ये यहीं पे 1886 में INU का नाम बदल के क्या हो गया, INC हो गया, किसने क्या दिया, दादा भाई नौरोजी ने। 87 में बदरुद्दीन तैयब जी, जो मुस्लिम अध्यक्ष हैं, पहले मद्रास में हुआ। 1888 में पहले अंग्रेज अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, जो इलाहाबाद में हुआ, ऐसे चलता है। और हर साल की अध्यक्षता होती है, 1888 तक हो गया, आगे हम देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वही अध्यक्षता हम देखेंगे, ठीक है। 88 बाद 1990 इम्पोर्टेंट नहीं है, 89 91 भी नहीं है, 92 भी नहीं है, 94 उसको 1896 देखते हैं, 1896 इसकी अध्यक्षता किसने की, रहमतुल्ला सयानी कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में। यहाँ पे 1896 क्यों इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट टाइम यहीं पे पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में क्या गाया गया, पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, राष्ट्रीय गीत गाया गया। और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। फर्स्ट टाइम रहमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 1896 के बाद हम चलते हैं, 97 भी नहीं है, 98 99 100 भी नहीं, फिर 1905 देखते हैं, 1905 इसकी अध्यक्षता किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की, कहाँ, बनारस में। अब ये चीज़ देख लेते हैं, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इसमें दो पार्टी रहती है, एक नरम दल और एक गरम दल, गरम दल में कौन कौन है, लाल बाल पाल, ये गरम दल के हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद पाल, ये तीन क्या है, गरम दल के नेता हैं। नरम दल में और एक और है अरविंदो घोष, ये भी गरम दल के हैं, अरविंद घोष, ये
ये भी धर्मदल के हैं। धर्मदल में क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, और दादा रहमतुल्ला सयानी, ये सब धर्मदल के नेता हैं। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में चर्चा होती है। 1906 में होता है, जो 1906 में कहा दादा भाई नौरोजी बनते हैं, नौरोजी कहाँ पे होता है, कलकत्ता में, कहाँ पे, कलकत्ता में होता है। इसमें क्या था, इसमें 1906 में बनाना था रास बिहारी घोष को, नहीं सॉरी, बनना था लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय जो गरम दल के नेता थे, यहाँ पे 1906 में बनना था जो, बट नहीं बने, दादा भाई नौरोजी बने। इसमें क्या रीजन था, इसमें बोला जा रहा था कि हमें अपना स्वराज चाहिए, क्या चाहिए, स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो कौन बोल रहे थे, धर्म दल वाले, कि हमको अपना पूर्ण स्वराज चाहिए। और आपस में धर्म दल और निरम दल में हो गया झगड़ा, फाइट हो गया कि हम धर्म दल वाले बनेंगे, निरम दल वाले बल बनेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे, दोनों में झगड़ा हो गया। तो बोले कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा, तो दादा भाई नौरोजी को बना दिया जाए। दादा भाई नौरोजी बुजुर्ग आदमी थे, पारसी थे, गुजरात के, बोले इनको बैठा लेते हैं ताकि झगड़ा ना हो। तो नरम दल वाले भी, गरम दल वाले भी दोनों शांत हो गए, फिर दादाजी बन रहे हैं तो फिर क्या झगड़ा, चलो वही रहते हैं। तो दादा भाई नौरोजी हो गए, लेकिन गरम दल वाले तो भड़के हुए पहले से थे, पूछे कि अगर इस बार नहीं बन पाए तो अगली बार तो हम जरूर बनेंगे, इसकी अध्यक्षता हम करेंगे। तो आता 1907 में क्या हुआ, अब बोले लाला लाजपत राय हम ही बनेंगे। बट यहाँ पर भी होता नहीं कि अब सब कुछ लगा कुर्सी में, कि अब सब कुछ समारोह स्टार्ट ही होने वाला है, तब तक झगड़ा हो जाता, कुर्सी मेज फेंकने वाला है, इस सिचुएशन आ गया, लाला लाजपत राय ने फेंकने लगे, बोले हम नहीं बनेंगे, ठीक है रास बिहारी घोष को ही बना दो। तो यहाँ पे क्या होता है, रास बिहारी यहाँ पे रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं, कहाँ पे, सूरत अधिवेशन में, कहाँ पे होता है, सूरत में। लेकिन देखिए गरम दल वाले नरदौलत यही से भड़के थे 1906 से ही, तो यहाँ पे क्या होता है, विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में, गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है, दोनों डिवाइड हो जाते हैं, गरम दल की अलग पार्टी होती है, नरम दल की अलग पार्टी चलती है। यहाँ से 1907 में जो राज बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की है, साथ हो गया। उसके बाद आता है आठ, इम्पोर्टेंट नहीं है, नौ भी नहीं है, दस भी नहीं है। अब 11 देखते हैं, 1911, बस तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो नहीं देख के रहने देते हैं। 1911 में कौन है, विश्व नारायण धर इसकी अध्यक्षता करते हैं, कहाँ पे होता है, कलकत्ता में, कहाँ पे, कलकत्ता। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में क्यों इम्पोर्टेंट है, जनगण मन क्या है, राष्ट्रगान गाया गया, जनगण मन, इसकी अध्यक्षता किसने किया, विश्व नारायण धर ने। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया 1911 अधिवेशन में। दोस्तों रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे 1911 के बाद का, जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही अधिवेशन हम देखेंगे। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है, जो जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जो होना था पूना में, बट पूना में नहीं हुआ, प्लेग फैलने के कारण कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसकी स्थापना एलन ट्यूबियन हूम ने किया, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, आईएएस रैंक के अधिकारी, रिटायर्ड हो चुके थे, उनको डफरिन, यहाँ के गवर्नर डफरिन थे उस समय, ने बुलाया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के लिए। तो उसकी पहली अध्यक्षता किसने किया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं दोस्तों, ये इंडियन ही हैं। तो इन्होंने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किया। उसके बाद ये बोला गया कि हर साल क्या होगी, बैठक होगी अंग्रेज और हमारे जनता के लीडर के बीच, जो हमारे जनता से ये उठे हुए प्रतिनिधि हैं, ये सब, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, और सब।
तो हम जनता को पहुंचाएंगे, हम जनता की आवाज़ हमारे नेता लोग सुनेंगे और नेता हमारे क्या करेंगे, अंग्रेज और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीच में एक मध्यस्थता होगी जो आपस में बात करेंगे, जनता से बातें पहुंचेंगी। तो हर साल होता है और जो भी अध्यक्षता होगी एक बार जहां हो गया क्या होगा, दोबारा वहां पे नहीं होगा और वहां का वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें कही गई। हर साल देखिए चलता भी गया, एक बार पारसी व्यक्ति, एक बार मुस्लिम व्यक्ति, फिर अंग्रेज, फिर ऐसे करके, तो लोगों को लगा कि हाँ ये संस्था अच्छी है, अच्छी चल रही है, इसमें हर कास्ट के लोग शामिल हो रहे हैं।